हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों का मणिपाल का रैंक आ चुका है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोगों के केस में लगता है ऐसा कि वो सिर्फ बोर्ड का स्कोर देख के रैंक दे दिए हैं, बल्कि इस बार तो 50% बोर्ड और 50% MET का था। अगर आप कंसिडर करते 180 मार्क्स तो 1000 के अंदर रैंक ऑब्वियसली आना चाहिए मणिपाल के सिर्फ, लेकिन बोर्ड में कितना भी कम होगा तो 25,000 रैंक तो नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बच्चे को 25,000-30,000 रैंक दे दिए, वो लोग 150 प्लस स्कोर किए, तो हमको लग रहा है ऐसा कि वो मिसकैलकुलेशन किए हैं, क्योंकि इस फर्स्ट ईयर है जबकि वो मणिपाल में MET प्लस बोर्ड स्कोर दोनों को कंसीडर करके रैंक दे रहे हैं, तो मिसकैलकुलेशन किए हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिए अपना मार्क्स, बोर्ड मार्क्स किस किस बोर्ड से हैं, और अपना मणिपाल का मार्क्स जो बेस्ट है दो अटेम्प्ट में से आपका, और अपना रैंक, ताकि पता चले सबको कि क्या गड़बड़ हुआ है। और आप मेल भी करें उनको कि आप अगर सही से मेरा कैलकुलेशन किए हैं तो प्लीज वो कैलकुलेशन का तरीका बताएं जो आप कैलकुलेशन में किए हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ऐसा तो नहीं कुछ बच्चे को फेवर कर दिया गया अच्छा रैंक देके, किसी बच्चे को जानबूझ के खराब रैंक दे दिया गया है। तो ये सब चीजों का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको अच्छा सीट नहीं मिल सकता खराब रैंक पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप उनको मेल करें, कमेंट डाउन करें, ताकि हम भी उसको चेक करेंगे, बाकी लोग चेक करेंगे, और आप लोग परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारा मेल जाएगा तो ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन उस पर कुछ ना कुछ देंगे। हम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली मेल करवा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करें आप करें, ताकि वो उस पर कुछ भी उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें, ताकि बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो सके। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेट सही समय पे मिलते रहे, और गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।